कैसा लग रहा है मासूम का डर सीजन 3। आ रहा है ना मजा? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक भी कर दिया तो कमेंट कर दो। कमेंट भी कर दिया तो वीडियो को शेयर कर दो। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आप क्या हुआ, मुझे देख के डर क्यों गई? भैया मैं तो भाभी के लिए चाय बना रही थी। बन गई ना, तू जा दे फिर। हाँ जी भैया। ये जितनी भी स्मार्ट बन ले इसको तो मैं हरा कर ही रहूंगा। भाभी ये लो चाय। अरे वाह सुष्मिता, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। भाभी मैं तो यही चाहती हूँ, बस आप लोगों की सेवा करूँ मैं। भाभी लाओ मैं आपकी सर दबा रही हूँ। जय हो गोली बाबा की, उनका जादू तो काम कर गया। सुष्मिता में कितना बदलाव आ गया है। रमीक रमीक रमीक, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सुष्मिता पर गोली बाबा का जादू चल गया। वो इतनी बदल गई है। आप सुनो, वो मेरे लिए चाय बना कर लाई, उसने मेरा सर दबाया, पैर दबाए, इतनी प्यार प्यार से बातें कर रही थी। वो सब तो ठीक है, बस ध्यान रखना किसी दिन चाय में चीनी की जगह मिर्च डाल के ना दे दे तुम्हें। कैसी बातें करते हो आप, मुझे गोली बाबा पर पूरा भरोसा है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ काम है, मैं जरा 2 घंटे में आता हूँ। अरे 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 रुको ना, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम? लेकिन तुम ही तो कह रही थी कि हम दोनों में से एक बंदा घर पे ही रहेगा। अरे आपने देखा नहीं सुष्मिता को, कितनी बदल गई है वो, कितनी प्यारी हो गई है। अब वो बच्चों को कुछ नहीं कहेगी। गोली बाबा का आशीर्वाद है हमारे साथ, सब ठीक रहेगा। जय गोली बाबा, जय। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तुम भी रेडी हो जाओ फिर। चलो चले। चलो चलो बच्चों। बेटा हम लोग मार्केट जा रहे हैं, आप आपस में लड़ाई मत करना। ओके ओके मामा। मामा पर सुष्मिता दीदी। बेटा अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, गोली बाबा के आशीर्वाद से सब ठीक है। आपने देखा उसमें कितना बदलाव आ गया है, अब वो आपको कुछ नहीं कहेगी। मम्मा गोली बाबा? हाँ बेटा, गोली बाबा का आशीर्वाद है हमारे साथ, अब वो बदल गई है, अब वो आप लोगों को तंग कभी नहीं करेगी। सच में? हाँ बेटा जी सच में। सुष्मिता। हाँ जी भाभी। बेटा हम बाहर जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखियो। हाँ जी भाभी, मैं इनके बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटा, एंजॉय करो और हम नहीं चलें। मम्मा दीदी ये गोली बाबा कौन है? पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, सुष्मिता दीदी कभी भी आती होगी। We'll be right back.
बच्चों अनान्या शनाया सियान। बच्चों। हाँ जी पापा। बच्चों तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं। मम्मा पापा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? जल्दी? हमें तो बेटा 3 घंटे लग गए। हमें तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा? हाँ, और हमने सुष्मिता दीदी के साथ इतनी गेम्स खेली, इतनी मस्ती करी। अच्छा? और साथ में हमने नूडल्स भी खाए। अच्छा, देख लिया आपने। जाओ आप लोग खेलो। सुष्मिता, सुष्मिता बेटा चाय बना दे। सुष्मिता कहाँ गई? सुष्मिता 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 सुष्मिता, अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? रमणीक, सुष्मिता नहीं मिल रही। अरे उसने जाना कहाँ है? अपने कमरे में ही होगी। आप समझ नहीं रहे हो, मैंने हर जगह चेक कर लिया, वो नहीं है यहाँ पर। क्या? अपना सामान चेक करो सारा। सामान? कौन सा सामान? अरे अपना सारा जरूरी सामान, मुझे पक्का शक है कि वो हमारा जरूरी सामान चुरा के भाग गई होगी। आप कैसी बातें कर रहे हो रमणीक? मुझे कब से इसी बात का डर था, मुझे पूरा शक है उस पे। तुम आओ मेरे साथ। सुष्मिता ये क्या मिला दिया इसके अंदर तूने? ये जो तू कर रही है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो तुम कर रहे हो वो हमने क्या किया है? ये सब तो तेरा किया धरा है। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा। ये सब मेरे को परेशान करते हो ना, इन सब का मैं बदला लूंगी। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक बात कान खोल के तू भी सुन ले, मैं तेरी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा अभी बताती हूँ मैं। आ, आ, छोड़ सुष्मिता, सुष्मिता हाथ छोड़ मेरा। सुष्मिता छोड़ो, सुष्मिता। रमणीक 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 आप ठीक हो? रमणीक कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा? बहुत खतरनाक सपना देखा। ये सुष्मिता हमें नहीं छोड़ेगी। रमणीक रिलैक्स करो, आप रिलैक्स करो। सुष्मिता वो वाली सुष्मिता नहीं रही, वो बदल गई है। आपने देखा ना आज अपनी आंखों से? इसमें जरूर उसकी कोई चाल होगी, तुम देख लेना। ये आपका वहम है रमणीक। मुझे लगता है आपको गोली बाबा की जरूरत है। जय हो गोली बाबा, जय हो गोली बाबा। गोली बाबा नहीं, मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। हेलो लवलीन। हाँ रमणीक। सुष्मिता ने तो अपना गेम ही बदल लिया है। मतलब? वो इतनी अच्छी बन गई है कि पुनीत उससे पूरी तरह से कन्विंस हो गई है। अच्छा, मुझे शुरू से बताओ।
ये सुष्मिता बहुत तेज है, हमारे साथ रिवर्स साइकोलॉजी का गेम खेल रही है। रिवर्स साइकोलॉजी, उसका क्या मतलब होता है? रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब कि वो उल्टे रास्ते चल रही है। तुम सोच के बैठे हो कि वो चाले चलेगी, बुरा बुरा करेगी, राइट? राइट। पर वो इसका एकदम उल्टा कर रही है, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। पर इससे उसे क्या मिलेगा? वही जो वो चाहती है, तुम्हारा उसके साथ अच्छा बर्ताव। देखो, मुझे तुम्हारी बातें कुछ कुछ तो समझ आ रही हैं, लेकिन उसकी रिवर्स साइकोलॉजी को काटने के लिए हमें क्या करना होगा? उसकी रिवर्स साइकोलॉजी को रिवर्स करना होगा। ओहो लवलीन, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तुम्हें पता है, आजकल सुष्मिता तो मेरे सपने में भी आती है और मुझे डराती है। अगर तुम कमजोर पड़ गए तो ये खेल जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू लवलीन। चलो अपना ध्यान रखो फिर। इस खेल में मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा सुष्मिता। बच्चों में लूडेस बना दूं, भाभी में पैर दबा दूं। ओह, मैं तो थक गई हूँ इस घर की नौकरी कर करके। कब बनूंगी इस घर की रानी? हेलो बाबा जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो गया है। सुष्मिता का बर्ताव बहुत अच्छा हो गया है। हाँ हाँ बाबा जी, मैं आपकी फीस भी अभी ट्रांसफर कर दूंगी। बाबा जी एक और समस्या आ गई है। मेरे पति रमनी, वो पता नहीं सारे दिन क्यों परेशान रहते हैं। उनको बहुत डर लगता है कि ये सुष्मिता अभी भी सुधरी नहीं है, सारा दिन परेशान घूमते हैं। इसका कोई उपाय?